डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। वाणिज्य के प्रमुख शब्दों को समझने की श्रृंखला में आज हम दो महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिनका नाम है देनदार और लेनदार। देनदार को इंग्लिश में डेटर के नाम से जाना जाता है, जबकि लेनदार को इंग्लिश में क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों शब्दों पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम इन्हें समझने में थोड़ी सी गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज आप देखें कि देनदार और लेनदार का वास्तविक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में सपोज दैट देयर आर टू पर्संस, ए और बी, दो लोग हैं, ए हैं और बी हैं। ए सेलर हैं और बी परचेजर हैं, और जो उधार माल बेचा जा रहा है उसके साथ एक कंडीशन लग रही है, वो कंडीशन है क्रेडिट सेल। क्रेडिट इनकी तरफ से सेल है और इनकी तरफ से परचेज है, मीन्स उधार क्रय और विक्रय की बात हो रही है। ए सेल कर रहे हैं जबकि बी खरीद रहे हैं, और उस माल की कीमत हम मान लेते हैं 1,00,000 रुपया। एग्जाम्पल के लिए सूचनाएं कुछ हैं, ए सेलर हैं, बी परचेजर हैं, माल को उधार इनके द्वारा बेचा गया है और उसी माल को इनके द्वारा उधार खरीदा गया है, और माल की कीमत है 1,00,000 रुपया। एज ए अकाउंटेंट, चूंकि आप एक अकाउंटेंट हैं, तो आपको इन दोनों के यहां जाके लेखा करना है। तो देनदार और लेनदार के कॉन्सेप्ट को यहां से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब सपोज दैट ये अकाउंटेंट महोदय ए के यहां काम करने जा रहे हैं, तो यहां पे सिचुएशन क्या है कि ए ने चूंकि बी को उधार माल बेचा है, तो ए को बी से 1,00,000 रुपया मिलना है। ऐसी स्थिति में ए के लिए बी देनदार है, मींस बी जो है ए को देंगे। सीधा सीधा संबंध है कि ए ने चूंकि इनको उधार माल बेचा है, तो उस राशि का भुगतान बी करेंगे, किसको? ए को करेंगे, मींस ए को बी देंगे, इसलिए बी ए के लिए देनदार है। तो बी के यहां ये अकाउंटेंट लिखेगा कि बी इज डेटर, बी इज डेटर, मींस ए की नजर में जो लेन देन हुआ है उस लेन देन के कारण बी क्या है? देनदार है, क्योंकि बी से धनराशि मिलनी है, बी धनराशि देगा, इसलिए ए की नजर में बी क्या है? देनदार है। अब यही अकाउंटेंट महोदय अगर अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए बी के यहां जाते हैं, तो जब ये बी के यहां जाते हैं तो ये देखेंगे कि बी को धनराशि भुगतान करनी है ए को, मींस ए बी से लेगा, ए बी से लेगा, मींस ए क्या है? बी के लिए लेनदार है। तो इसके यहां जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हो जाएगा ए इज क्रेडिटर। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि जिस व्यक्ति से, एक सारांश में आप देखें, जिस व्यक्ति से हमें धनराशि मिलनी है वह व्यक्ति हमारे लिए देनदार है, मींस वह व्यक्ति हमें भुगतान करेगा, वो धनराशि हमें देगा, इसलिए वो व्यक्ति हमारे लिए क्या होगा? देनदार होगा, मींस डेटर से हम भुगतान
पाएंगे और जिस व्यक्ति से हम भुगतान पाते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होता है। मीन्स अगर कहीं डेटर लिखा हुआ है तो उस डेटर की डेटर पे कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, उससे हमें पैसे मिलने वाले हैं और मिलने के कारण ही डेटर को एसेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। डेटर क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है, क्योंकि इससे हमें धनराशि प्राप्त होनी है। दूसरा है बी। बी के दृष्टिकोण में चूंकि ए को भुगतान करना है तो ये एक बी के लिए दायित्व तो है कि वो ए को भुगतान करे, इसलिए बी के दृष्टिकोण में ए क्रेडिटर है और इस क्रेडिटर को हम लायबिलिटी के रूप में जानते हैं। यहां पे इन्हें भुगतान प्राप्त होना है जिस व्यक्ति से, उसे ये एसेट्स मानते हैं और इन्हें चूंकि भुगतान करना है इनका दायित्व है इसलिए ये ए को दायित्व मानते हैं। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई कि डेटर इज एसेट्स एंड क्रेडिटर इज लायबिलिटी। देनदार और लेनदार में देनदार संपत्ति होता है जबकि लेनदार दायित्व होता है। साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को भी हमने यहीं पे आपका क्लियर कर दिया। मींस सेलर को किस नाम से जाना जाएगा, मींस अगर आपसे कोई पूछे कि क्रेडिट सेल करने वाला सेलर क्या होगा, तो यहां पे आप देखें सेलर अगर आप अपने दृष्टिकोण से देखें तो सेलर धनराशि प्राप्त करने वाला है। सेलर क्या है, धनराशि प्राप्त करने वाला है, इसलिए सेलर क्या होता है, क्रेडिटर होता है। सेलर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, जबकि जो परचेजर होता है वो धनराशि को भुगतान करने वाला होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो परचेजर होता है वो क्या होता है, डेटर होता है। एक कॉन्सेप्ट यहां पे और क्लियर हो गया आपका डेटर और क्रेडिटर से संबंधित। डेटर को हम एसेट्स जैसा ट्रीट करते हैं जबकि क्रेडिटर को हम लायबिलिटी जैसा अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं। सेलर क्रेडिटर होता है जबकि परचेजर डेटर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि परचेजर और सेलर इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डेटर वह व्यक्ति है जो एक कुछ पॉइंट्स में इसको बता देते हैं। डेटर को किन किन नामों से संबोधित किया जा सकता है, डेटर क्या बन सकता है, सेलर बन सकता है। डेटर क्या बन सकता है, अमाउंट प्राप्त करने वाला होता है, ये अमाउंट रिसीव करने वाला, अमाउंट ये रिसीव करने वाला होता है। तीसरा पॉइंट इसके साथ क्या होता है, डेटर एसेट्स होता है। चौथा क्या होता है, ये डेटर हमारा इसका जो नेचर होता है डेटर का, ये परिवर्तनशील होता है, भुगतान होता रहता है, मिलता रहता है, देनदार बनता रहता है। कि अगर जैसे हम विक्रय करते हैं, उधार विक्रय करते हैं, देनदार बढ़ जाता है और उस विक्रय की राशि जो हमें मिल जाती है तो देनदार क्या होता है, घट जाता है। इसलिए इसका जो नेचर होता है डेटर अकाउंट का, जो इसका पेमेंट की सिचुएशन के हिसाब से जो नेचर होता है, ये हमारा है होता है करंट असेट्स होता है। क्या होता है, करंट असेट्स होता है ये। और इसके साथ एक शब्द और है अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होता है, तो डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अभी जब हम इसको अकाउंट आपको पढ़ाने लगेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। ऐसे ही क्रेडिटर के साथ भी कुछ पॉइंट्स काम करते हैं। पहला तो ये हमारा परचेजर हो जाएगा, दूसरा अमाउंट पेबल है, ये इसे अमाउंट पे करना पड़ता है, तीसरा ये हमारा एज ए लायबिलिटी होता है, और चौथा इसे भी हम करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रीट करते हैं। करंट लायबिलिटी के अंतर्गत इसको ट्रीट किया जाता है और ये भी पर्सनल अकाउंट होता है।
पर्सनल अकाउंट। तो उम्मीद करते हैं आपको देनदार और लेनदार इसकी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये दो शब्द आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि अकाउंटिंग में डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको कुछ डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद।